बिहार के नालंदा जिले का पावापुरी। इसी पावन भूमि पर जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। जिस स्थान पर उनका अंतिम संस्कार किया गया वहीं पर है भव्य जल मंदिर, जो अपनी सुंदरता और पवित्रता के लिए विश्व विख्यात है। जल मंदिर के बारे में कहा जाता है कि भगवान महावीर के अंतिम संस्कार की भूमि होने के कारण यहाँ पर हर रोज हजारों भक्त दर्शन के लिए आते और इस जगह की मिट्टी को पवित्र समझकर ले जाते। इस तरह यहाँ पर एक तालाब बन गया। यह तालाब करीब 50 एकड़ में फैला हुआ है। राजा नंदीवर्धन ने भगवान महावीर की चरण पादुका स्थापित कर इस तालाब में एक मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे जल मंदिर कहा गया। इस मंदिर में जाने के लिए एक विशाल द्वार बना है। इस द्वार के अंदर ड्योढ़ी है। ड्योढ़ी से मंदिर जाने के लिए सरोवर में 600 फुट लंबा पुल बना है। इस पुल को पार करने के बाद जल मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं। सफेद संगमरमर से बने इस द्वार से प्रवेश करते ही प्रांगण में आते हैं, जहां से मंदिर नजर आता है। मंदिर में सिर्फ गर्भगृह है और उसके चारों तरफ बरामदा है। गर्भगृह में प्रवेश के लिए 3 द्वार हैं। पूर्व की तरफ से प्रवेश करने पर सामने ही भगवान महावीर की चरण पादुका स्थापित है। यहाँ पर भगवान के चरणों की पूजा की जाती है। महावीर स्वामी के चरणों के आसपास उनके प्रधान शिष्य गौतम स्वामी और स्वधर्मा स्वामी के चरण भी स्थापित हैं। यहाँ पर स्थापित अखंड ज्योति वर्षों से प्रज्वलित है। मंदिर में तीर्थयात्री जाप करते हैं। मान्यता है कि यहाँ मांगी गई मनोकामना पूरी होने पर भक्त एक बार फिर यहाँ महावीर स्वामी के दर्शनों के लिए आते हैं। कार्तिक मास में दीपावली के मौके पर मंदिर में खास उत्सव का आयोजन किया जाता है। इस मौके पर जल मंदिर में निर्वाण महोत्सव मनाया जाता है। इसी अवसर पर श्रद्धालु मंदिर में 51 किलो लड्डू का भोग लगाते हैं। यह मंदिर जैन धर्म के मानने वालों का सबसे बड़ा तीर्थ है। यही कारण है कि यहाँ साल भर तीर्थयात्रियों का तांता लगा रहता है।